यार ये घर पे बैक बाय से ट्रेन करना बहुत मुश्किल है। क्या करे। हाँ एक काम करता हूँ, यूट्यूब कर लेता हूँ। हाँ ये वीडियो अच्छा रहेगा। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला बैक एंड बाइसेप्स, जो हम कवर करेंगे घर में। सिर्फ ओनली होम वर्कआउट होगा, लाइक कोई इक्विपमेंट्स नहीं रहेंगे, जस्ट हमें घर पे रहना है। एंड अगर आपको आवाज़ बैकग्राउंड आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी तो सॉरी, क्योंकि आज मैं नीचे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पहली एक्सरसाइज होने वाली है पुलअप की, जो मेरे घर पर पुलअप बार अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं नीचे आकर आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। एंड अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो पहली एक्सरसाइज करते हैं, वो होगी पुलअप्स की। अभी अगर आपके घर पे पुलअप बार अवेलेबल नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ऐसी एक लटकने की जगह ढूंढ लेना एंड उधर जाकर पुलअप्स कर देना। आपको दिखा देता हूँ कि पुलअप्स कैसे रहता है। हाँ तो कहा था मैं, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि पुलअप्स के आपके जितने सेट जाते हैं उतने कीजिए, एंड रेप्स भी जितने जाते हैं उतने कीजिए, क्योंकि घर पे बैक एंड बाइसेप ट्रेन करना बहुत हार्ड रहता है। बहुत ही गिनी चुनी एक्सरसाइज रहती है जो हम घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो गो हार्ड ऑन पुलअप्स। और मुझे ये बहाना नहीं चाहिए मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये पुलअप आया नहीं है, मैं कैसे करूँगा घर पे। देखो आप किधर भी कर सकते हो, जस्ट नीचे जाओ, एक्सप्लोर करो, लटकने की जगह ढूंढो एंड पुलअप्स कर लो। देखा ना आपने, मैं फर्स्ट वीक में किधर कर रहा था मेरे पुलअप्स। तो आप भी उधर जाओ, नीचे उतर जाओ, देखो कैसे आपके पुलअप्स होंगे, घर पे फटाफट आओ एंड देन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, जो होगी बेंट ओवर। अब बेंट ओवर रोज के लिए हमें एक बकेट चाहिए एंड उसमें पानी भर दो, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। नहीं देखा तो चेक कर लेना। हाँ सुजी, बकेट में पानी भरना है एंड बेंट ओवर रोज करना है। बेंट ओवर रोज के लिए हमें एक 90 डिग्री एंगल बनाना है अपने बैक के साथ, एंड देन जब हम नीचे झुके रहेंगे तो अपने बैक को थोड़ा सा आर्च करना, चेस्ट को अप रखना है, एंड देन हमें रोज परफॉर्म करना है। दोनों हाथ में आप अपना बकेट पकड़िए एंड देन रोज परफॉर्म करना है कुछ ऐसा। बेंट ओवर रोज करने के टाइम आप ध्यान रखना एकदम फटैक से ऊपर लेके वेट लेके नहीं आ रहे हो, बल्कि एकदम कंट्रोल वे में ऊपर लेके आ रहे हो, 2 से 3 सेकंड होल्ड कर रहे हो एंड देन वापस नीचे लेके जा रहे हो। अगर ये आपसे नहीं हो रहा है, लाइक आपको करने का मन नहीं कर रहा, तो आप सिंगल आर्म रो भी ले सकते हो। सिंपली वापस हमें अपने बकेट को पकड़ना है, हाथ को कौन से प्लेस पर रखना है, जैसे कि अभी मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ वो चेक कर लेना, हाथ को रखना है एंड देन रोज परफॉर्म करना है। वापस वही बैक को स्ट्रेट रखना एंड रोज परफॉर्म करना। तो बैक के लिए तो इतनी एक्सरसाइज है, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते बैक में। दो एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल पुल बहुत है, इनफ है बैक ट्रेन करने के लिए, बैक को स्टिमुलस देने के लिए। एंड हाँ लास्ट स्टेप वापस के एक और लास्ट बार बोल दे रहा हूँ कि प्लीज़ 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 गो हार्ड ऑन पुलअप्स, जितने चाह रहे हो उतने ही करना, कोई जितने चाह रहे हो उतने करना प्लीज़। तो अभी चलते हैं बाइसेप पे। अभी बाइसेप की दो मूवमेंट होगी, वो होगी बाइसेप कर्ल्स एंड हैमर कर्ल्स। एंड मैं अभी टिप्स भी दे देता हूँ कि लोग मतलब क्या गलती करते हैं एंड आपको नहीं करना चाहिए। तो पहली एक्सरसाइज होगी बाइसेप कर्ल्स। बाइसेप कर्ल्स में सिंपली हमें बकेट को लेना एंड बाइसेप कर्ल परफॉर्म करना। बट ये एक्सरसाइज करने के टाइम बहुत लोग क्या करते हैं, वो अपने एल्बोज पर आगे लेके आ जाते हैं। ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में मत जाना मेरे भाई प्लीज़। वो क्या करते हैं, ऐसे एल्बोज को आगे लेके आ जाते हैं, इससे क्या होगा आपका पूरा शोल्डर्स पे ही मूवमेंट आएगा जो आपने कल ही ट्रेन किया था। तो मत करना, आगे इतना आगे मत लेके आना, लाइक थोड़ा सा आगे लेके आ सकते हो आप अपने बाइसेप पे टेंशन बनाने के लिए, कुछ इतना आगे लेके आ सकते हो आप, बट प्लीज़ इतना आगे मत लेके जाना कि वो पूरा शोल्डर पे ही आए। अब आप थोड़ा ट्रायल एंड एरर कीजिए अपने साथ, बहुत बहुत थोड़ा सा एल्बो मूवमेंट चाहिए, बहुत थोड़ा, एकदम ज़्यादा मत कर देना नहीं तो वो शोल्डर पे आएगा। इसके आपको 3 से 4 सेट लेने हैं, एवरी सेट फेलियर। एंड नाउ लास्ट एक्सरसाइज विल बी हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल्स भी सेम है बाइसेप कर्ल्स की तरह,
ऐसा ऊपर लेके आना है। एंड अगर हैमर कर्ल्स आपके बकेट से नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप जब ज़्यादा वेट डालोगे, मतलब ज़्यादा पानी डालोगे अंदर, तो वो थोड़ा शिवर होने लगेगा। तो आप एक काम कर सकते हो, वो है आप एक बैग ले सकते हो। अभी बैग का यूज़ स्कूल में भी होता है, बट हम इधर भी करेंगे, इंडियंस का जुगाड़। हाँ, तो बैग ले लिया मैंने, इसमें बुक्स भर दो, पत्थर भर दो, जो भरना भर दो, जो भरना भर दो। एंड ना अभी हम करेंगे हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल्स भी सेम, ज़्यादा ऊपर लेके नहीं आना, नहीं तो वापस आपके शोल्डर पे मूवमेंट आ जाएगा, आपका एंटीरियर शोल्डर हो जाएगा ट्रेन। तो हैमर कर्ल्स करने के टाइम ऐसा कुछ मूवमेंट बनता है। एंड जब आप हैमर कर्ल्स करोगे या बाइसेप कर्ल्स करोगे, आई हैव अ टिप फॉर यू ऑल कि आप जब नीचे आपके रेज को लेके आओगे, एकदम कंट्रोल्ड वे में नीचे लेके आना, एकदम कंट्रोल्ड वे में, लाइक दिस। अभी देखो मैं ऊपर लेके गया, फिर एकदम कंट्रोल्ड वे में नीचे लेके आया। इससे क्या होगा, आपके मसल पे टेंशन ज़्यादा बनेगा एंड आपके मसल ज़्यादा जल्दी ग्रो होगी। ये एक तरीका है बहुत अच्छा आपके बाइसेप को बड़ा करने का। एंड ऑब्वियसली ट्राइसेप भी ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि वही 75% रहता है आपका ट्राइसेप, आपके आर्म्स का। ट्राइसेप भी ट्रेन करना एंड बाइसेप भी ट्रेन करना, अगर आपको बड़े बड़े आर्म्स चाहिए हो। एंड हाँ, आप चिनअप्स भी ले सकते हो एक बाइसेप मूवमेंट की तरह, बस आपको कुछ ऐसे तरीके से, ऐसे वे में खींचना है कि वो आपके एकदम अच्छे बाइसेप पे आए, ना कि बैक पे ज़्यादा है। थोड़ा बैक पे भी आएगा, क्योंकि चिनअप्स एंड पुलअप्स आर ऑलमोस्ट वन ऑफ द सेम, बट अलग है थोड़ा मूवमेंट उनका। बाइसेप कर्ल्स एंड हैमर कर्ल्स के आपको 3 से 4 सेट लेने हैं, एवरी सेट टिल फेलियर। एंड अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी लेग्स के बारे में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, पीस।